आप सभी साथियों, सबसे पहले जय भीम जय भारत। आज हम आपसे एक जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं और हम आपके लिए एक सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिस खबर के बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। साथियों, 14 अप्रैल मनाई थी, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले बहुजन युवा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई थी 14 अप्रैल के दिन, वो भी शांतिपूर्वक। आपको पता है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन था, लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए उस युवा ने अपने घर पर ही मोमबत्ती व दिए हुए जलाकर 14 अप्रैल मनाई थी, यानी अंबेडकर जयंती मनाई थी। और अंबेडकर जयंती मनाई थी तो जो कि मनवादी सोच रखने वालों को ये बात रास नहीं आई। मनवादी सोच रखने वालों ने कुछ लोगों ने जो कि उसके ऊपर कार्रवाई की और उसको घर में जाकर धमकाया कि तू जो कि अंबेडकर जयंती क्यों मना रहा है और आखिर ये कारण क्या है और तू लॉकडाउन में अंबेडकर जयंती क्यों मना रहा है। आखिरकार उस बहुजन युवा ने जो अंबेडकर जयंती मनाई थी वो अपने घर में रहकर ही मनाई थी। हम आपको सुनवाएंगे आखिर बहुजन युवा को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अब तक 14 अप्रैल बीते हुए बहुत दिन हो गए, करीब 2 या 3 महीने हो गए और अब तक कुछ जो कि वहाँ के जो कि ठाकुर समाज से आते हैं उनके द्वारा बहुजन समाज के युवाओं को अब तक प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जानकारी हमें भीम आर्मी के जो कि मध्य प्रदेश जिला उज्जैन तहसील माहेतपुर के जो कि वहाँ के राजेश वर्षी प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ता भीम आर्मी मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने ये जानकारी हमें भेजी और उन्होंने बताया कि उस बहुजन युवा को अब तक परेशान किया जा रहा है, अब तक प्रताड़ित किया जा रहा है। FIR होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और आखिरकार हम आपको सुनवाते हैं बहुजन युवा को क्या कुछ किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और आज एक और ज़रूरी बात बता दें, जब भी बहुजन युवा अपने खेतों पर अपने परिवार के साथ जुताई या ट्रैक्टर लेकर पहुंचता है तो कुछ ना कुछ उसके जो ट्रैक्टर जुताई करने के लिए आता है उसके कानों में कुछ ना कुछ बक देते हैं, तो इसी कारण से वो ट्रैक्टर लेकर जो कि जुताई करने आता है वो उस खेत से निकल कर चला जाता है और बोलता है कि मैं तेरी जुताई ना करूँगा, ना ही तेरे खेत को सिंचाई करूँगा, कुछ नहीं, तेरे खेत में कोई भी किसी प्रकार का कृषि से संबंधित कोई भी सामान आने नहीं देते उस बहुजन युवा के खेत में। साथियों, अब हम सुनवाते हैं उस बहुजन युवा की जवानी आखिरकार उसके साथ किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कुछ मनवादी सोच रखने वालों द्वारा। सेवाराम जी बताइए, क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम सेवाराम बगाना है, ग्राम लसुला मंसूर, तहसील महतपुर, जिला उज्जैन का निवासी हूँ। मैंने 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव जी की अंबेडकर जयंती मनाई, जिसमें वहाँ के गांव के स्वर्ण लोगों ने मेरे साथ आकर मारपीट की, जिसकी FIR मैंने महतपुर थाने में करवा दी। 20-25 दिन हो गए, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है और मेरे खेती करने में वो लोग आड़े आ रहे हैं, जो भी खेत आंकने आते हैं उनको डरा धमका के वहाँ से भगा देते हैं। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और मुझे पुलिस सुरक्षा प्रदान करे। और किसी प्रकार से डराया धमका जा रहा है आपको? कि जान से मार देंगे, खेती नहीं करने देंगे और घर जला देंगे, ऐसी धमकी बार बार मिल रही है। और 20-25 लोग का झुंड मेरे घर के सामने ड्रिंक व्रिंक करता है और रात भर वहीं रहते हैं। अच्छा, FIR दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, 20-25 दिन हो गए। अच्छा, आपने पुलिस प्रशासन को दोबारा जाके अवगत कराया इस चीज़ को? जी, हमने एक आवेदन पुनः दे दिया है पुलिस प्रशासन को, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहना पड़ रहा है पुलिस का? पुलिस कह रही है कि लॉकडाउन के चलते हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपको आपकी जान को खतरा है मतलब? जी, अगर कुछ होता है तो गांव वाले जिम्मेदार है, श्रवण लोग जिम्मेदार हैं आपका? बिल्कुल, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम जय भारत। फिर मिलते हैं नई खबर एक नई वीडियो के साथ।